हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 28 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के जरिए आप कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं अपने वीवो वाई 28 5G फ़ोन में, और आप कैसे इसके जरिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं वीवो वाई 28 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं और आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन सब ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है। तो आपको इस पर सर्च करना है ऑलवेज, और इस तरह से कोई भी ऑप्शन नहीं आया तो इसलिए आपको सर्च करना है स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर जब आप सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप स्क्रीन सेवर सेटिंग्स पे आ जाएंगे, जिसके जरिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, और ऑन करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। क्लॉक एनिमेशंस भी आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं, एंड आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और डिजिटल एनालॉग भी आप चेंज कर सकते हैं, और एनिमेशंस को मतलब डिजिटल क्लॉक में भी शो कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से अपने फ़ोटो एनिमेशंस को भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से फ़ोटो एनिमेशंस आप स्क्रीन पे शो कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स के जरिए। और मोर सेटिंग्स भी सेट करना चाहें तो सेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।